गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, तहे दिल से आरवी कौर वेलकम करती है आज के न्यू व्लॉग में। ये रहा मेरा अचार, ये रहे मेरे परांठे, ये रही मेरी चाय, ये रहा मेरा घर और ये टाइम रहा सुबह के 9:05। बाहर का मौसम इज ऑसम, मौसम इज ऑसम गाइस, है ना। और सुबह का टाइम है, देख लिया आपने। और घर पे आज मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली, कोई घर पे नहीं है। छुनछुन के अलावा दुग्गल जी गए डायलिसिस करवाने, नूनी गया हुआ है स्कूल, और मैंने रात में खाना नहीं खाया था तो आज मुझे भूख लग गई जल्दी। तो खाली ब्रश करके मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं खाना खाती हूँ फिर वापस आती हूँ, है ना। ये दाल वाली परौंठी है, वैसे सिंपल परौंठी नहीं है, तो इसलिए अचार के साथ खा रहे हैं गाइस। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो हाँ जी गाइस, अब आपको मिलते हैं फेस टू फेस। नहा के धो के मैं फ्रेश होके मिल रही हूँ आपसे, है ना। सुबह बिना नहाए आज ब्रेकफास्ट कर लिया गाइस, क्योंकि पेट में चूहे के साथ हाथी घोड़े सब दौड़ रहे थे, रात खाना नहीं खाया था ना इसलिए। तो फिलहाल मेरा टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं, जैसे कि आपको बोला ऑफ है आज। शाम की एक मेरी क्लास थी बट वो भी मैंने कैंसिल कर दी है, ठीक है। और आज मजदूर को आना था, मतलब जो काम चला हुआ है वो आया नहीं है, मतलब आया था तो मैंने वापस भेज दिया क्योंकि बारिश लगी हुई है बाहर, है ना। तो बारिश में क्या ही काम होगा। तो डैम प्रूफ का आज जिसको दूसरा कोड मारना था, कल रात को भी थोड़ा बहुत जो किया था वो थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि बारिश आ गई थी 2-2.5 घंटे बाद ही, ठीक है। तो बाहर का मैं आपको फिलहाल मौसम दिखा देती हूँ। काम मैं कुछ क्या कर रही हूँ, बस इंक्वायरी कॉल वगैरह अटेंड कर रही थी सुबह से, बहन से बात कर रही थी अपने, है ना, और एक दो दोस्त से बात कर रही थी, मतलब कॉल वॉल ही कर रही हूँ सुबह से। कुछ खास मैंने अभी तक किया नहीं, नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था, किचन समेट दी हुई थी सुबह ही, और फिलहाल मैं अपने कपड़े समेट रही हूँ क्योंकि कपड़े आपको पता है मेरे घर में कभी ख़त्म नहीं हो सकते भाई। चाहे मैं कितने ही कम कर लूँ, चाहे मैं कितनी अलमीराज ले आऊँ, कपड़ों का प्रकोप कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे घर से। कुछ धोने वाले हैं, कुछ तय करके लगाने वाले हैं, है ना। और किचन में मेरी शिमला मिर्च आज मैं बनाने वाली हूँ, है ना। लंच की तैयारी जस्ट मैं अभी व्लॉग ख़त्म करके करूँगी, ख़त्म मतलब यहीं पे स्टॉप करके आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ मैं। बाहर आज फॉगी फॉगी सैसी मौसम हो रहा है, सैसी मौसम। छुन दुकान से आई तो ये इसकी बात कर रही थी गाइस में कि ये डैम प्रूफ जो ख़राब हो गया है ना, ये खुल जा सिम सिम, पैर ना टूट जाए बस मेरा। ये इसके नीचे से कुछ मतलब यहाँ पे एक तो ये टंकी भी लीक कर रही है, ये देखो यहाँ से पूरा निकल गया, ये पूरा डला हुआ था ये कल ना, पूरा यहाँ से ख़राब हो गया, तो ये दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। और तो बाहर का मौसम देख लो जी आप, ये देखने में तो मुझे अच्छा लगता है बट ऐसे मौसम में मुझे ना सांस नहीं आती, मुझे थोड़ा बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम है सांस। तो ये देख लो जी मौसम के हाल, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, ये वाले गाने याद आते हैं ऐसे मौसम देख के। चलो छुनछुन, यू आर नॉट अलाउड छत पे बिल्कुल भी नहीं। तो ये मौसम है और हल्का हल्का अगर आप देख पा रहे हो ना, नहीं कैमरा में कैप्चर हाँ हो रहा है, हल्का हल्का वो लग रही है रिमझिम बरखा रानी। तो ये है जी, चलती हूँ अंदर, अब खाने वाने की तैयारी करूँगी इससे पहले कि आ जाए। ये नीचे का भी सारा पेंडिंग है भाई, ये सारा होना है, ये सीढ़ियाँ होनी हैं, ये सब होना है, नीचे बाहर का होना है, अंदर का हो गया है बट अंदर मैं ना सेट नहीं कर पाई अभी तक, मतलब साफ़ सफाई नहीं कर पाई हूँ अंदर की। छुनछुन आ जा, जब करूँगी ना साफ सफाई, आज सोचा हुआ था मैंने बट मेरा मन नहीं है यहाँ करने का, थकी थकी से हो रही हूँ मैं, घर संभालना है ना। छुनछुन तो बाहर ही रहा, अंदर नहीं आई जी को, घर संभालना, मेरे को काम संभालना, मेरे सिर पर है ना सारी, कोई होश नहीं है इनको कि कहाँ है कैसे है, चले जाऊँ टाइम पर नहीं फिर माइंड आउट होता है ऐसे। कोई ना, चलो जिसकी जो जिसके जो दिल मैं करो। तो फिलहाल मैं खाना बनाती हूँ जी और फिर साफ़ सफाई करूँगी, बस ये कपड़े वगैरह समेटूँगी अपने, आज सोऊँगी। आज सोच के मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ और नींद नहीं आती मुझे, ठीक है। खाना बना के आपको वापस मिलती हूँ, खाना बनाते बनाते मुझे लाइव भी आना है आज फेसबुक पे। बस ये इंसान ना पिछले एक घंटे से पी करता आ रहा, स्कूटी के डिग्गे में पैक कर दूंगी, बॉस आ गया इतने। और एक मेरे मफलर का देखो क्या हाल बना के रखा हुआ है, स्कूटी साफ करने के लगा दिया मेरा वो स्कार्फ मफलर, कह रही मैं अभी मेरा खाना ही बन रहा है अब तक, सब्जी चौंकी हुई है मैंने, दही मैंने इनसे मंगवाई हुई थी,
यस, मैं बहुत काम कर रही हूँ सुबह से, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा, जो आपको कभी दिखेंगे नहीं। नीचे से आम लेके आई, नहीं सड़ जाएंगे वो आम। मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने कहा रखे हैं भाई। गाइस हमारे पेड़ पे जो आम लगे हुए थे ना, तो वो हमने, मैंने तो नहीं, इन लोगों ने कहीं रखे हुए हैं पैक करके पकाने के लिए। अब देखो जाके कहाँ, मेरे को नहीं पता। ये बन रही है जी मेरी सब्जी। हाँ पक्की नहीं रहे ये आलू, जब से लेके कच्चे ही पड़े हैं भाई, कब से बनाए हुए मैंने। तो गाइस अभी मैं फेसबुक पे लाइव आ रही थी, क्यों खाए नहीं आपने? इतने में मुश्किल से मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। खा के दो और इक्की आगे बना। बस आप तो ना अजीब सी हरकत है करते हैं, आपको सिर्फ टेस्टी टेस्टी चीजें चाहिए। इनके लिए मैंने वो करके दिया था पपीता, इनके लिए अच्छा है पेट के लिए, इनका पेट खराब रहता है, कब्ज रहती है ना। लेकिन ये टेस्ट चाहिए, हर चीज में टेस्ट चाहिए इंसान को। तो आज दोपहर से शाम हो चुकी है और बारिश शुरू हो चुकी है और हम सो के उठ चुके हैं। देखा था आपने जैसे कि ये आ गए थे, फिर खाना वाना खिलाया इनको, फिर खुद खाया, फिर मैं 3:15 बजे सोई थी और 5:15 बजे उठी हूँ। मस्त सोई हूँ आज मैं 2 घंटे। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही बट अब 5:15 हो रहे हैं, और मतलब 5:15 ही हो रहे हैं। अभी उठी हूँ जस्ट 10 मिनट पहले, एंड मासी जी आ चुकी हैं फाइनली घर पे आज। और बारिश तो खैर मैंने बताई थी आ रही है बारिश। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ड्राइंग रूम में, दुग्गल जी बैठे हुए हैं। समोसे का कुछ हम प्लान कर रहे थे बट ये बारिश लगी, अब समोसे लेने कौन कैसे जाएगा वो नहीं पता अपने प्राइस, क्योंकि बारिश में कोई भीगना नहीं चाहे आज का। नोनी भी आज ट्यूशन नहीं गया, इसकी छुट्टियाँ लग गई आज से, छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है अरिहान की। वैसे तो हो चुकी है काफ़ी पहले बट इन लोगों की एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी बोर्ड वालों की। क्या हुआ सामान भीग गया क्या मासी का? दुग्गे जी भाग भाग के गए, रुको भीग गए, रख दिए। ओके ये बच्चा इतनी देर से नहीं सोया, 2 बजे आ गया था आज ये, है ना, इतनी देर से नहीं सोया, अब सो रहा है। बताओ जब 5:30 हो गए, 5:15 हो गए। नोनी उठ जा, थोड़ा चल थोड़ी देर के लिए, चेकर उठा दूंगी तेरे को, सो जा। मासी नहा रही है, मौसम दिखाऊं आपको बाहर कैसा हो रहा। इतनी तेज हो रही है बारिश, इतनी तेज। मासी इन द वॉशरूम एंड हियर वी आर सिटिंग हियर। आप भी कभी ब्लॉग शूट कर लिया करो अपने शुभ हाथों से डालें। अभी थोड़ा सुस्ती आ रही है। ओके तो गाइस इनका डायलिसिस हुआ ना, तो आज थोड़े से लेजी रहेंगे, थोड़ी तबीयत ढीली रहेगी, तो बारिश के रुकने का वेट करते हैं फिर चाय पकौड़े खाएंगे। ओके तो ये लो गाइस, आप भी इंजॉय करो हमारे ब्लॉग के थ्रू हमारे पनीर के पकौड़े और ये मीठी चटनी और ये हमारी टी जो कि अभी बनी रही है ना। हाँ तो मैं कहाँ सुना रही गिल्ले पे बच्चे को, मैं बोल रही आज ड्राइंग रूम में सो रही हूँ। गाइस इन्होंने ना जानबूझ के मेरी इनकी लड़ाई बज रही थी, अब इनका बस तो चलाने की कुछ और करो, इन्होंने क्या करा बोतल से यहाँ पे पानी गिर गया हुआ और मेरे को बोल रहे गलती से गिरा हुआ है, ठीक है। और ये सोफा कवर बिछा रखा, इतना पानी ज्यादा है, तकिए तक आ रखा था पानी, तकिया तो दूसरे साइड पलट दिया इन्होंने, पर इसके नीचे इतना गंदा पानी है ना, और ये गहरे वाला ज्यादा पानी है, सूखेगा नहीं भैया। मेरे को बोल रहे हैं यहाँ सो जा। मैं क्यों सोऊं? मैं तो ठीक है, फ्रीजर का ठंडा पानी है ना, यहाँ को सो तू, यहाँ को कोई बात नहीं, सो जा। हाँ। या एक दिन के लिए ड्राइंग रूम में सो जा, नहीं नहीं ये सोएगा तेरे साथ, ये क्यों ये सोएगा बस। हाँ तो सो जाएगा फिर, ठीक है। क्यों सुन रहे गाइस, आप सुन रहे, देखो सुन रहे गाइस, सुन रहे, अब सब सुनाऊंगी गाइस को, मैं सब सुन रहे गाइस, इनके पीछे की हरकतें हैं, आधी चीज तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती। अब क्यों चुप हो गए, बोलो अभी भी हर बात में, क्यों और देख, क्यों देखा, क्यों और देख पटके नहीं बांधते दोनों, यही घूमते रहेंगे मुंडियां लेके, मतलब आधे आधे ले रही हूँ, तेरे को भी आधा ले रही हूँ, उनको भी आधा ले रही। नोनी मैंने देख तेरे पास क्या भेज रखा, तो देख तो ले उसको यार, सिर भेज रखा। मैं ये फोन चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भेज दूँ। तो जी मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, वहां पे मैं बिल्कुल लेटूंगी। और आज हम कि अगर मेरे को ये सब कुछ करना होता तो पानी में इसके ऊपर भी गिर सकता हूँ, अभी भी गिर सकता हूँ। हाँ और आप ऐसे बच जाएंगे फिर। हाँ। सूखे और वेली
मैं तो आंटी के पास भाग जूंगा एकदम। अच्छा भाग जूंगा, मेरी टांगे नहीं दी हुई ऊपर वाले ने? नहीं दे रखी। मैंने जो तेरे तो आज भाई लड़ाई बल रही थी शाम से लेके, है ना, तू तू है मैं कुत्ते बिल्ले वाली यार, मैंने तो जान के गिरा। टाइम रात के 10:15 हो रहे हैं, बस मैं सोच रही थी कि चलो व्लॉग शूट नहीं करेंगे, फैमिली टाइम तो स्पेंड करा, बट लड़ाइयां बजा रखी है हमने दोनों ने आपस में, होनी चाहिए ना कभी कभी। माइंड फ्रेश करना था ये, सुनो व्लॉग को एंड कर देते हैं यहीं पे, है ना, सुबह क्लास है तो सुबह क्लास से मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। दिखा कार्टून भेज रखे, तो ये वाले कार्टून नहीं देखता था, ये देखता था तू ये वाले? टॉम एंड जेरी देखता था, और वो मोटू पतलू छोटा भीम। ठीक है व्लॉग को एंड कर लेते हैं गाइस यहीं पे, कल के व्लॉग में वापस मिलूंगी, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। ऊपर और... वाले ने सजा दी इसको, सजा दी मेरे से, अचानक गिर गया पानी यहाँ पे, यूँ आ रहे बॉटल चक्के यहाँ से अपना वो उठा रहे, ये पटका है ना, यूँ टेडी कर दी पूरी बोतल, पूरा मुंदा दिया यहाँ पे। ऊपर वाले ने सजा दी रखी, ऊपर वाले ने सजा, ये देखो इनको कितनी खुशी मिलती है ना मेरे को ऐसे यहाँ पे ऐसे कि ये जागी रहेगी रात, आपको खुशी मिल रही कि मैं जागी रहूं, मेरे को वैसी नींद नहीं आ रही इतने दिनों से। यार बस नोनी तू क्या बोल रहा था कि तू तेरे को मैंने अडॉप्ट किया? हैं मैंने नहीं बोला ऐसा, तूने तो बोला था कि बाप आपने मेरे को अडॉप्ट किया कहते। अरे अगर अडॉप्ट करना तो चज का करता मैं। हाँ जय तो है, तेरे जैसा नमूना ना लेके आते फिर अच्छा नमूना चूज करते कि हाँ भाई अच्छा नमूना दिखाओ। जैसे तेरी मम्मी चूज कर रखी मैंने नमूनी, मतलब मैं अच्छी चूज कर रखी ना, नमुनी। हाँ अडॉप्ट नहीं किया हुआ ना मेरे को, तो आपने पहले 36 लड़कियां देखी फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, ये तो सच है गाइस, है ना नमुनी। बोल हाँ मुछड़ा रामजादे, हाँ बोल यार सॉरी है, सॉरी फ्लो फ्लो निकल गया, बोला नमुनी पसंद आई मेरे को नमुनी। मैं अभी क्या उस टाइम दिमाग खराब होगा मेरा, कोई ना मिट्टे किडनी के दिन ही कैंसिल, किडनी का कॉन्ट्रैक्ट रफा दफा गाइस कॉन्टेक्ट खत्म, दूसरी ढूंढ लो किडनी, चलो निकलो यहां से, चलो भगो यहां से, चलो गाइस बाय बाय, कल के व्लॉग में वापस मिलती हूँ, बाय टेक केयर।